उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है, लेकिन सीएम योगी ने अपनी तरफ से 15 अप्रैल से कुछ रियायतों का ऐलान जरूर कर दिया है। हालांकि आगरा में रविवार को 12 नए मामले सामने आने के बाद सरकार एक बार फिर से फिक्रमंद है। देश के विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। केवल समझा सकते हैं आपको बता सकते हैं, और यहाँ पे जो लाइनिंग है आप लोग इसका अनुपालन कराएं, जिससे महामारी से भी ज्यादा खतरनाक महामारी की दहशत बनती जा रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कल रात जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। ग्रेटर नोएडा के क्वारंटीन सेंटर में खुदकुशी, 32 साल के शख्स ने 7वीं मंजिल से लगाई छलांग, युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम। अलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, उसी की 7वीं मंजिल से यह शख्स कूद गया। उस दौरान वहां काफी हड़कंप मचा, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच की तो जांच में पता चला जिसने आत्महत्या की उसका नाम गुलजार है। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना के 31 नए मामले सामने आए, इनमें से 12 मामले सिर्फ आगरा में पाए गए हैं। इसी के साथ आगरा में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। आगरा में एक साथ 32 नए केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। हालांकि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के बाकी हिस्सों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई आगरा की तर्ज पर लड़ने की नसीहत दी थी। कहा यह गया कि आगरा में जिस तरह संक्रमण को फैलने से रोकने की तरकीबें अपनाई गईं, वो कामयाब हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का आभार। और यह मॉडल सिर्फ आगरा के नहीं है, आगरा ने जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें जो गाइड किया, भारत सरकार ने जो गाइड किया, यहाँ पे हमारे जो WHO के प्रतिनिधि हैं, जो हमारी टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, IMA की टीम है, सबने जो हमें कहा उसको हम लोगों ने एक साथ सुन करके टीम आगरा के रूप में डेवलप कर जितने भी जो भी सुझाव आए उसको इंक्लूड करके ये मॉडल बनाया गया। 14 अप्रैल के बाद से प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग का तौर तरीका कैसा होगा, इस पर योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सिपा सालारों के साथ मंथन किया, जिससे ये खास बातें निकली। यूपी में 15 अप्रैल से ऑनलाइन रेस्टोरेंट खुलेंगे। 15 अप्रैल से रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी सेवा शुरू होगी। 15 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू होगी। निर्माण, शिक्षा, कृषि संबंधित कामकाज पर फैसले के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन। लॉकडाउन बढ़ाने पर केंद्र सरकार के आदेश के हिसाब से फैसला। कुछ कमेटियां गठित की हैं जो 15 के बाद से किस प्रकार की हमारी कार्रवाई होनी है। लॉकडाउन पर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगी, एक क्योंकि यही 23 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। लेकिन साथ साथ हम लोग इस बात को भी तय करने जा रहे हैं कि कुछ रूटीन के कार्यों को, आवश्यक सेवाओं को, इमरजेंसी सेवाओं को कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने कमेटी उनको दी है जिस पर वो कार्य करेंगे। बाकी राज्यों की तरह यूपी के सामने भी कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ साथ ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने की दोहरी चुनौती है, और इसकी झलक आगे होने वाले फैसलों में भी दिखाई देगी। ग्रेटर नोएडा से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।